ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा के मंदिर जहां हिमाचल सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने और स्कूलों में मॉडर्न सुविधाएं देने की बड़ी बड़ी दलीलें देती आई है, लेकिन स्लोगन स्कूल इन वायदों, दलीलों और घोषणाओं से कोशों दूर है। तपती धूप में जहां कुछ देर खड़ा होना भी मुश्किल है, वहां विद्यार्थी सुबह से चिलचिलाते हुए धूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिलोगड़ा स्कूल 4 लेन के तहत अधिकृत कर लिया गया है, जिसकी वजह से भवन को तोड़ दिया गया है, लेकिन बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था करना शिक्षा विभाग पूरी तरह से भूल गया है। यही वजह है कि विद्यार्थी तपती गर्मी में शिक्षा लेने को मजबूर हो चुके हैं। शिक्षा के मंदिर जहां हिमाचल सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने और स्कूलों में मॉडर्न सुविधाएं देने की बड़ी बड़ी दलीलें देती है, लेकिन स्लोगड़ा स्कूल इन वायदों, दलीलों और घोषणाओं से कोसों दूर है। तपती धूप में जहां कुछ देर खड़ा होना भी मुश्किल है, वहां विद्यार्थी सुबह से चिलचिलाती हुई धूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्लोगड़ा स्कूल 4 लेन के तहत अधिकृत कर लिया गया, जिसकी वजह से भवन को तोड़ दिया गया, लेकिन बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था करना शिक्षा विभाग पूरी तरह से भूल गया। यही वजह है कि विद्यार्थी तपती गर्मी में शिक्षा लेने को मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि विद्यार्थियों के परिजन बेहद चिंतित हैं। परिजनों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए तपती गर्मी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में 126 बच्चे हैं, लेकिन विभाग द्वारा केवल 2 कमरे उपलब्ध करवाए गए हैं, जो नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। यही वजह है कि विद्यार्थियों को खुले में बिठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और भविष्य से खेल रहा है, और अब सभी परिजन मन बना चुके हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, क्योंकि भवन आधा गिर चुका है और आधा गिरने की कगार पर है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा।